जबकि आलू की बुवाई का उचित समय से 15 से 25 अक्टूबर तक का माना गया है, वहीं इसकी पिछेती बुवाई का समय 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच का रहता है। नालू में 80 से 82% तक पानी और 14% स्टार्च होता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे कितने भी दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है और तरह तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, शायद इसीलिए इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। पहली किस्म है कुफरी अलंकर। कुफरी अलंकर इस किस्म आलू की उन्नत किस्म है जो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल तक उपज देती है। इस किस्म के आलू की फसल 70 दिनों में ही तैयार हो जाती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी पैदावार अच्छी होती है। दूसरे नंबर पर है कुफरी चंद्रमुखी। इस किस्म के आलू के पौधे का तना लाल भूरे रंग के धब्बे के साथ हरा होता है। फसल तैयार होने में 80 से 90 दिनों का समय लगता है। प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 200 से 250 क्विंटल है। उत्तर भारत के मैदानी और पठारी इलाके इसकी खेती के लिए अच्छे हैं। कुफरी नीलकंठ। कुफरी नीलकंठ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह बेहतरीन किस्म का आलू है जो ज्यादा ठंड के मौसम को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है और 90 से 100 दिनों में फसल तैयार होती है। स्वाद में भी यह आलू बहुत अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता 350 से 400 क्विंटल है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए यह किस्म अच्छी है।